मुझे मत डालना तो डल गए दोस्तों, आज दूसरा रूम पेंट हो रहा है श्रेया की मम्मी का और वो आई हुई है अभी। आज हम लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि हमारे कमरे में श्रेया की मम्मी है और आज साबित हो गया कि घर का ओनर तो कमरे में ही रहता है। पता चल गया आप लोगों कितने गरीब हैं। जो बोलते हैं गॉड भाई के पास बहुत पैसे हैं, गॉड भाई के पास अपना घर भी नहीं है। तो क्या हो गया यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो? अपना घर भी नहीं, अपना नहीं है। आप अपना मान रहे हो? मैं तो अपना मानता हूँ इस घर को, पर आप मेरे को ये कह रहे हो कि अपना नहीं। देख रहे हो ना, अब दो बेटियां ही हैं तो अब क्या है, अपना ही घर है। यार ये बाल पता है इसमें ज्यादा लगते हैं, शोर रिकॉर्ड कराओ तो उसमें कम लगते हैं। आ जाएंगे, धैर्य रखो। आप एक डेढ़ साल के बच्चे को बोलते तो ठीक था ना, मैं 32 का हो चुका हूँ और कितना धैर्य रखूँ। भाई दोस्तों, भाई कभी ऐसा पाप मत कर देना। ये श्रेया ने मुझे बोला आलू मैश करने को, श्रेया का वो चल रही है मीटिंग अभी ऑफिस की, मुझे नहीं पता था ये आलू छिलने के बाद इसको काटना हो गया, थोड़ा ठंडा करने देना चाहिए। मैंने भाई ये वाला आलू ना गरम गरम ऐसे छिला और ऊपर से तो ठंडा हो गया था क्योंकि पानी में डाल के छिला था, और पूरा मैश कर दिया ऐसे। मेरे भाई पूरा का पूरा जल गया यहाँ से अंदर से। भाई पहले बताया क्यों नहीं श्रेया मुझे? दोस्तों आज ये दूसरा कमरा है, पेंट हो रहा है, हटना भी है एक बार जरा। इधर का वाइट तो ठीक लग रहा है, उधर का वाइट ऐसे पिंक सा क्यों लग रहा था भैया? ये तो ठीक वाइट लग रहा है जैसे होना चाहिए। ये रात को देखा था ना तो शायद लाइट वाइट की वजह से होगा। जैसे ये पीली लाइट बंद हो जाएगी ना फिर और वैसा कलर चमकेगा। पीली हट के हां इसको है ना, देखो अब कैसा हो गया। ये है ना जैसे इसमें आपने ब्लू लाइट लगा दी नीली, हां ये नीले टन पे जाएगा। ये सही लग रहा है शो के लिए। हेलो गाइस, शकल देख रहे हो मेरी? मतलब घर का काम करके ये करके यानी हालत खराब हो गई। ऊपर से गौरव कपूर बोलता है कि मेरी स्टाइलिस्ट भी बन जाओ, मुझे बताओ, मुझे सजेस्ट करो, मुझे शोज पे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। Why don't you use 10% विटामिन सी एसेंस सीरम फ्रॉम मामाअर्थ? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खूब चमक रहा है तू तो, यहाँ मैं काम करा के धूल में सन। यार एक तो शो से ज्यादा जोक से ज्यादा टफ होता है, क्या कपड़ा पहन के रिकॉर्ड करा जाए? ये कपड़ा तो बिल्कुल पहन के रिकॉर्ड नहीं करा जाए। प्लीज बाथरूम बंद कर दे यार, प्लीज। हमारा बाथरूम हमेशा खुला क्यों रहता है? वो भी ये बहुत गंदा लग रहा है, प्लीज। ऐसे करो एकदम लेवेंडर की तरह शॉट। तो भाई ये कह रहा था अपना भाई ने ऐसे मतलब, हां बस का ये ग्रे टी-शर्ट पहन ना, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। हां और एक अच्छा सा जूता पहन ले। पर यार फिर तुम ऐसे तू ऐसे क्यों अब से कंधा करके तुम मुंह आगे क्यों कर लेता है? हां ऐसे कर लेते हैं जब भी कोई नए कपड़े पहनता है ना। इसमें ना शूट करूंगा जो कपड़ा फैलाते हैं ना वोली तार आ जाएगी। देखो तो साले बड़ा टेंशन है यार, एक सिंपल सा कपड़ा दुनिया में क्यों नहीं रहता? ब्लैक ले जा, ब्लैक तो बेस्ट है। नई वीडियो की तैयारी चल रही है दोस्तों। कौन से व्लॉग की? नहीं स्टैंड अप की, मतलब व्लॉग तो चल रहा है। तो व्लॉग वाली ऑडियंस तेरे स्टैंड अप के लिए क्यों इतनी एक्साइटेड होगी? है यार लोग देखते हैं मेरा स्टैंड अप से अटैच्ड है। दोस्तों आजकल हमारे घर में पेंट हो रहा है और पेंटिंग ऐसी हो गई है ना आजकल कि मतलब लगता ही नहीं है जैसे पहले। तो पेंटिंग भी क्योंकि मैं करवाती हूँ, ठीक है दीदी ये दे दो, दीदी वो दे दो, दीदी कॉलिन दे दो, दीदी कपड़ा दे दो, दीदी इसको ये कर दूँ, पूरे दिन में एक बार तो उठा है पानी देने के लिए। कैसे झूठे हो, आपको खाना जो दिया मुझे पूरे मन से खिचड़ी वो, क्योंकि मेरी मीटिंग चल रही थी मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं जीरा और नमक सब डाल के दिया जो मैंने। गुब्बी मेरी मीटिंग चल रही थी यार, तू मतलब पता है खुद ही करे, मेरी मीटिंग चल रही थी तूने खुद देख, खुद नहीं देखा मैंने ना, करे करे सामान काम को पूरा ही नकार देते हो पता है एक मिनट के अंदर। अपना पानी देना भी मैंने पानी दिया, दीदी कॉलिंग दे दो, और यहाँ साला पूरा थाली सजा कर गई, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। तो दिन में एक ही बार खाना खाया ना तो दोपहर में, तो ठीक है चल जाते जाते चाय बनाता जा फिर। जीना मेरा लेट हो रहा है ठीक है अभी तो कोई बात नहीं, इसीलिए मेरी मीटिंग भी चल रही थी वैसे ही। ठीक है यार थैंक यू बोल दो, क्या हो गया? हाँ वो भी थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। सॉरी गाइस, जो भी जिन्होंने भी व्लॉग देख के टिकट्स लिए हैं और जिन्होंने सोचा कि श्रेया भी आएगी शो पे, किसी ने नहीं सोचा श्रेया, सबको पता होता है कि स्टैंड अप हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा फोन उठा करके बोल भले ही हर कोई ले, पर जो जोक लिख करके कर स्टेज पे जाकर करने का वो तरीका होता है ना, वह हर किसी की बद की बात बस की बात नहीं। और यार बैंगलोर आ जाओ यार, भाई कोई देख रहा है तो मेरे एक शो बचा हुआ यार बिकना अभी। मैं ना जब जब मैंने नोटिस करा है जब जब मेरी टिकट एक पर्टिकुलर नंबर तक बिकती है ना तो मैं ओयो बुक करता हूँ, फिर उसके अगर ऊपर बिकती है ये तो तूने बोल चुका है नॉर्मल 3 स्टार, और जहाँ टिकट पार हुई एक लिमिट के बाहर भाई सीधा 5 स्टार। तो मेरे को इस बार लगा बैंगलोर तो अपनी सिटी है, बैंगलोर तो आराम से निकलेगी, और मैंने पहले ही बुक कर दिया 5 स्टार। बैंगलोर वाले सारे इधर, और अभी एड पे एड चला रहा हूँ आखिरी एक शो के लिए, मतलब निकल जाएगी कैसे रिस्पेक्ट, अच्छा नंबर है, एक 200 और निकल जाए तो मजा बस, फिर संतुष्टि से मैं सुबह जाकर के खाना खाया करूंगा उधर का अपना, क्या कहना ताजा ठंडी का। कितने दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगी। ये है एक हार्ड वर्किंग लड़की की शक्ल। हम सब भटूरे चल रहे थे सुबह के। ओ अब मुझे समझ में आया साला, ये सेल्फी कैमरे में ही प्रॉब्लम है, देख तू भी अजीब सा लग रहा है इसमें। क्या? सही नहीं है आईफोन का सेल्फी है ना, आईफोन के सेल्फी कैमरे की बात करूँ बहुत गंदा है यार। आई एम रिकंसिडरिंग माई डिसीजन टू बाय एन आईफोन, आई थिंक सैमसंग इज गुड। ले लो फिर सैमसंग ले लो, बट फिर वही फाइल ट्रांसफर नहीं होती। हमारी ऑन रहेगी प्रेस। दोस्तों आपको पता नहीं पर ये रिस्पांसिबल श्रेया एक बार सवेरे प्रेस ऑन करके चली गई थी। अच्छा जो भी सोए थे रात तक प्रेस ऑन थी। बाप रे कितना एग्जैजरेशन, को भी हर चीज लाइफ में एग्जैजरेशन नहीं होती। आपको ही पता है ठीक है, कॉमेडी से लेकर सब कुछ यार। ऑल द बेस्ट तो बोल दो यार, मैं शो पे जा रहा हूँ यार, आप तो बिल्कुल एकदम ऐसे ही भेज रहे हो जैसे पता नहीं क्या है। चलो बाय।
अभी भूलने वाला था। प्लीज इस शो से कंटेंट निकाल देना, नहीं तो शूट कर करके सारे पैसे करके खत्म कर दोगे तू। इतना शूट कर रहा है घर के, कौन से घर के? अभी जो तेरा है वो मेरा भी तो है ना। कंटेंट निकालने के लिए योद्धा तैयार होकर जाते हुए। क्या ये फुटेज दोस्तों, ये केविन है, केविन का एक ब्लॉग चैनल है जिसपे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आज का ब्लॉग मेरा केविन बनाएगा और वी आर रेडी टू रिकॉर्ड द शो। एरा माइक, एरा स्टेज, जनता आने वाली है। कल जो आपने रूम देखा था सादा सा पड़ा था, एकदम चारों तरफ खलेरा था, अभी पूरा सेट हो चुका है। बंदे अपने तैयार है सारे। मानिक भी आया आज। मानिक का इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, उसका सिर्फ जीपे नंबर है। मानिक को कॉन्टेक्ट करना, पैसा भेजना पड़ता है थोड़ा। केविन इज अ वेरी प्रोफेशनल ब्लॉगर कम क्या पॉडकास्ट भी करता है ना, तू कर रहा है टॉक शो? हां, मेरे को आपकी डेट लेनी थी। मेरे से क्या डेट यार, मैं खाली हूं। कैमरा पे दे रहे हो फिर? 24-25 ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे कर लेंगे, 24-25 एक दिन कर लेंगे। मैं आपसे भी ऐसे प्रोफेसर से बात, क्या क्या पूछता है तू उसमें? छोड़ ना यार, क्या क्या बताऊं मैं वैसे ही यार। देखो आप सूर्य और विक्रम जी, मेरे चैनल की वजह से मैंने मेरे घर के कुछ ज्यादा फायदा नहीं, कुछ नहीं है। लाइव और 10 ऑडियंस और मैं सूर्य विक्रम जी था। अच्छा सूर्य भी हमारा, सूर्य में वो नहीं है कि रेड रेस ये जिसने फॉलो करा हैप्पी आए को शो पे आ जाना, ये नहीं फॉलो तो टिक छोड़ दिया। आई हेट अरे डाल दिया तूने रिया, मैं इसको भेज दे रही हूं। थैंक्स केविन, अप्रिशिएट इट। देखा तुमने, उन्होंने देखा मेरे कल कैसे ब्लॉग बनाया, एकदम तेज तेज फालतू नाटक नहीं। ये रे ब्रो, सेटअप देख ले। मैं भाई 1 2 वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर गौरव कपूर? ऑल द बेस्ट भाई। ये क्या बात है यार, अबे मैं तो देख रहा हूं, मैं तो भाई यही समझ रहा हूं कि कितना बढ़िया चीजें हो रही है। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर गौरव कपूर? ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल मेरे लिए। दिस एड्स 3 टू 5 इयर्स ऑन यू। अबे चल वीडियो में देख क्या सही आती है भाई। यानी तो पेट बड़ा गंदा आता है इसमें, देख सब पेट झुक गया, मैं जो कुछ नहीं पता चलेगा। स्टार्टिंग केविन, अपना भी शक्ल दिखा दे यार, तू भी करता रहेगा क्या सब कुछ? तो वो वाला आर्टिस्ट है क्या पीछे रहेगा? व्हाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है और ये पिंक इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने जैसे मेरी ये 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 पिंक है, ये पिंक है, उस वजह से रिफ्लेक्शन आता है। दिस इज लाइक नॉट वाइट, बहुत लोग बोले नील डाल के लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वाला जमाने गए जब उसे चूना बोलते हैं, ठीक है, चूने में लगाते थे, तो वो वाला जमाना गया अभी कि जब उसमें नीला वो करके लगाते हैं। इट्स लाइक अ प्रॉपर पेंट। गौरव को सरप्राइज मिलेगा। ये भी फोकस लाइट इन माई किचन। मुझे व्हाइट लाइट्स बहुत पसंद है नहीं, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे किचन में व्हाइट लाइट थी। ये यहाँ का भी बल्ब फ्यूज़ हुआ हुआ था तो यहाँ पे भी मैंने एज अ फोकस लाइट लगवा दिया है। ये वाला एरिया हमारा पेंट हुआ नहीं अभी तक। मम्मी जी हमारी चिल कर रही हैं, आज मम्मी का रूम पेंट हुआ है। कैसा लग रहा है? ये चार तरीके का जो हमारे वुडन का काम हुआ हुआ है, ये इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा इवन करवाऊंगी। ओके बाय, काम करो अब अपना। मैंने हमेशा नोटिस किया जब भी मैं खुद व्लॉग बनाती हूँ मैं बहुत दिखने में बेटर लगती हूँ एज कम्पेयर टू व्हेन गौरव बनाता है। गौरव मुझे इतने गंदे एंगल में कैप्चर करता है, मतलब इतनी गंदी लग रही है, गंदी इन द सेंस की नॉट प्रेजेंटेबल लग रही रहती हूँ मैं। बट मैं जब खुद बनाती हूँ व्लॉग तो आई लुक अ लिल मोर प्रेजेंटेबल। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच टोस्ट, विच इज़ वेरी क्विक एंड एंड सॉर्ट ऑफ हेल्दी टू, बिकॉज उसमें 2 अंडे पड़ते हैं और थोड़ा सा दूध भी पड़ता है जो कि मैं यूज़ करूँगी मेरा लैक्टोज फ्री वाला दूध। आई होप वो है या ख़त्म हो गया, मैंने चेक किया बट अनफॉर्चुनेटली फ्रिज में लैक्टोज फ्री वाला जो दूध है वो है नहीं, सब खत्म हो चुका है, खाली दही 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 कैशू मिल्क है जो कि मैं पीती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कैशू मिल्क के साथ आई डोंट थिंक फ्रेंच टोस्ट बन सकता है। तो क्या करेंगे हम? आई थिंक हमें फिर यही खाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग अहेड विद दिस और मैं इसका रिव्यू दूंगी। मैंने अपने फ्रिज में देखा कि मेरे पास ये फ्रूट ब्रेड भी पड़ी हुई है जिसका जो मुझे बहुत पसंद है, मैं ये भी खा सकती हूँ और या फिर मैं थोड़ा और हेल्दी ऑल्टरनेटिव ये ग्रेनोला जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है हनी और ये सबसे बनता है, ये भी खा सकती हूँ अलॉन्ग विद माय कैशू मिल्क। क्या करूँ मैं, क्या खाऊँ? हेल्दी है एक ऑल्टरनेटिव, एक थोड़ा कम हेल्दी है और एक तो बिल्कुल ही ब्रेड के साथ बटर एज इन मेरा वाला बटर। सो आई एम गोइंग विद दिस ग्रेनोला विच इज़ होल ओट्स, रोल्ड ओट्स विद सम सीड्स एंड अंजीर जो कि गौरव हमेशा खोजता रहता है इसमें, अनफॉर्चुनेटली उसे आज मिली नहीं, ये मुझे मिली। यूहू लकी मी, यहाँ पे भी एक है, इसको मैं खाऊंगी ये कैशू मिल्क के साथ जो कि बहुत अमेजिंग तो नहीं होता है बट क्या करें। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है मेरा ग्रेनोला विद बनाना एंड ऑल। इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करूंगी जो कि मेरे पास है, वो है ये कैशू बटर, बट इट्स अ वेरी गुड बटर, तो वो भी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, मैं दिखाऊंगी इसकी कैसा लगता है। सो दिस इज़ द बटर, इसमें थोड़ा सा मैं
I'll just put it and have it. भैया lactose intolerance जो है वो बहुत ही महंगी बीमारी है. It's not a बीमारी, it's a condition actually. But yeah, मुझे ऐसे ऐसे alternatives खोजने पड़ते हैं. सारे alternatives इतने महंगे बट अच्छे भी होते हैं. मतलब ठीक है, it's good for your stomach and all. But still, अब हो सकता है शायद मैं ये भी खाऊँ, हो सकता है शायद मैं वो रैमिन भी खाऊँ, वो कप वाला, और हो सकता है शायद मैं एक 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 बाइट वो ब्रेड का भी खाऊं. मैंने सोचा है कि ओह आई विल गो विद हेल्दी ऑप्शन, आई विल जस्ट हैव ग्रेनोला, और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद भूख लगने लग जाती है और फिर आई एंड अप ईटिंग कार्ब्स, अ लॉट ऑफ कार्ब. अब ये मैं बताऊंगी कि कैसा बना है. बहुत ही यम एक्चुअली. लास्ट में वो कैशियो बटर में चार चांद लगा दिया क्योंकि काफ़ी थिक हो गया, स्मूदी वाला टेक्सचर आ गया. तो ये मैंने पानी गर्म के लिए चढ़ा दिया है. इसके लिए अब इसके लिए मैं बटर निकालने वाली हूँ जो कि मैं जाने वाली हूँ फ्रिज में. ये रहा मेरा प्लांट बेस्ड बटर, ये फ्रूट ब्रेड पे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अब मैं एक हाथ से बना रही हूँ तो आई डोंट थिंक मैं इतनी मल्टीटास्क करूँ. दिस इज़ ये तो नहीं बोलूँगी कि दिस इज़ वेरी क्लोज टू बट, मतलब इट्स लाइक वेरी क्लोज टू बट, आई वोंट से इट्स लाइक. अगर किसी ने माजरीन अगर खाई हो तो आई थिंक माजरीन नहीं होता शायद वो. मैं पानी भी गर्म हो रहा है, जब तक मैं ये खत्म करूँगी तब तक पानी गर्म हो जाएगा. भूख भी होगी, बहुत भूख होगी. कल एक्सरसाइज भी करनी है तो थोड़ा कैलोरी इंटेक भी होना चाहिए. कैलोरी खाएंगे नहीं तो बर्न क्या करेंगे, राइट. रैम्यून वैसे अमेजोन में भी मिलता है. बस एक सजेशन देना है कि ये बहुत स्पाइसी होता है, ये इसका जो भी मिक्स है. ये मैं मीडियम स्पाइसी खाती हूँ, जो भी मीडियम स्पाइसी खाता है इसका आधा ही डालना क्योंकि बहुत स्पाइसी होता है ये. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आई थिंक इस वजह से ही शायद इसका प्रोटीन कॉन्टेंट थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि थोड़े वेजीज ये सब हैं इसमें. अब पता नहीं, अंडा तो ऐसा है नहीं, बोल तो वेजी ही रहे हैं ये. तो ये मैं आधा खोलूँगी फिर मैं आई एल ऑफ लोड दिस थिंग इन टू दिस एंड आई एल पोर वाटर अप टिल हेयर. इसको मैंने एक हैवी चीज़ से ढक दिया है ताकि ये अच्छे से जो भी गर्म पानी में पक जाए. सौरभ का मैसेज आया, श्रेया खाना है या खा कर आओ. व्हाट अ कोइंसिडेंस. मैं उसे बोलने वाली हूँ खा कर या, यहाँ तो हम बस काम चला रहे हैं. अच्छा सुनो, हम क्या बोल रहे थे, मैगी खा लेंगे आज. पिज्जा बोली थी. पिज्जा खाने का मन है. ये देखो मेरी मम्मी और भी ज्यादा अनहेल्दी खाना. हाँ नहीं नहीं, वो वाली पिज्जा नहीं खाऊंगी, मेरे को उससे एलर्जी होती है, वो चाइनीज मैगी. आपको कैसा लगता है पिज्जा? पिज्जा मस्त. मम्मी मैगी खाने के लिए रेडी है. मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ प्याज काटने, बस इतना ही, ठीक है बस इतना ही. देखो चलो मम्मी के लिए प्याज काटने. बाय. जस्ट 20 मिनट्स हुए हैं मुझे ग्रैनोला खत्म किए हुए और मुझे फिर भूख लगने लगी. हमारा ट्रेनर में बहुत वेट लिफ्टिंग कराता है, बहुत दौड़ाता है और बहुत क्रंचेस कराता है और बहुत प्लैंक्स कराता है, तो भूख लगना तो जायज़ बात है. और कल भी मुझे जाना है एक्सरसाइज करने, तो भूखा तो नहीं कहना चाहिए. तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले एक स्लाइस ये भी खाऊँगी और उसके बाद मैं ये भी खाऊँगी. दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. सो इट हैज़ बिट्स ऑफ मशरूम पीसेस, इट हैज़ सम दीज ग्रीन वंस, क्या बोलते हैं इसे, कुछ तो बोलते हैं हाशमी, पता नहीं कुछ लीव्स बोलते हैं इसे, जो काफ़ी फ्लेवरफुल होती है. थोड़े ग्रीन अनियंस हैं और बस इतना ही है. एंड आई विल फिनिश दिस वाइल वॉचिंग कोरियन ड्रामा.